नागिन फोर का सबसे बड़ा सवाल, यानी शिवांगी नागिन फोर में वापसी करेगी या नहीं। और लेकिन दुख की बात है क्योंकि खुफिया सूत्रों की माने तो नागिन फोर में आपको शिवांगी नहीं दिखेगी। और लेकिन हम आपको इस वीडियो में शिवांगी की नागिन फोर में वापसी होने की 3 सबसे बड़ी वजह बताएंगे, जिससे हो सकता है कि नागिन फोर में शिवांगी की इस 3 बड़ी वजह की वजह से वापसी हो। तो आप प्लीज इस खास वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और ये सारी बड़ी वजह बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहली बड़ी वजह आपको बता देगी, जब नागरानी पेला पर यानी शवानी पर बहुत बड़ी जान का खतरा आएगा तब नागरानी को बचाने के लिए यानी पेला को बचाने के लिए महानागरानी यानी शिवांगी की वापसी नागिन फोर में हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह आपको बता देगी, नागिन फोर में नागमणि जब दुश्मनों के हाथों चली जाएगी और बिचारी पेला यानी शवानी के पास नागमणि को बचाने के लिए और भोलेनाथ की अमानत यानी नागमणि भोलेनाथ को सौंपने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, तब यह भारी सिचुएशन में यानी यह भारी मुसीबत में महानागरानी यानी शिवांगी की वापसी नागिन फोर में हो सकती है। और आखिरी और सबसे लास्ट यानी तीसरी सबसे बड़ी वजह आपको बता देगी, आपने जैसे कि नागिन 3 का अंत देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि फैंस का दिल जीतने के लिए और नागिन 3 के अंत तुम्हें धमाकेदार एंट्री मारने के लिए शिवांगी ने काफी खतरनाक वापसी की थी और सारे फैंस को हिलाकर रख दिया था। वैसे ही नागिन 4 के अंत में भी शिवांगी की काफी धमाकेदार वापसी देखने को मिल सकती है। और आपको यह तीनों बड़ी वजह में से कौन सी सबसे सही बड़ी वजह लगती है कि शिवांगी की वापसी इस बड़ी वजह की वजह से हो सकती है, यह हमें आपके हिसाब से अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। और आप यह नागिन 4 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो यह हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।